नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंडा का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। कई तरीके से लोग इसका सेवन भी करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप गलत तरीके से अंडे का सेवन करते हैं तो ये आपको फ़ायदे करने से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंडे का सेवन करना चाहिए, इसके सेवन करने के सही तरीके क्या हैं जिससे कि आपको इसका पूरा पोषण मिल सके। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा आपको स्वस्थ रखना है। दोस्तों अंडे में प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स, वसा, आयोडीन और फोलेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता होने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। हाल ही में हुए कई रिसर्चों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि कच्चे अंडे का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और आप कई पाचन संबंधी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि पकाने पर नष्ट हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। दोस्तों जब भी अंडा बनाएं या उसको ऐसे भी खाएं तो उसमें नमक ना मिलाएं और ज़्यादा गर्म तापमान पर भी उसे ना पकाएं, क्योंकि ऐसा करने से अंडे में मौजूद कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अंडा पकाएं धीमी आंच पर ही पकाएं। दोस्तों उबले हुए अंडे का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और इसके अलावा आप धीमी आंच पर बने अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जब भी अंडे बनाएं तो उसमें सब्जियां ज़रूर मिलाएं ताकि अंडे का पोषक तत्व पहले के मुताबिक ज़्यादा हो जाए। जितना हो सके देसी अंडे का सेवन करें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।